हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आप फास्ट ट्रैक कंपनी के मेंबर हैं, अगर आपने यहाँ पे अपना आईडी लगाया है और अगर आपके वॉल्ट में पैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा आता है वीकली आता है, मंथली आता है, और अगर आपके वॉल्ट में पैसा है और अगर आपको ये पैसा विड्रॉल करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर विड्रॉल किया है, ठीक है। अगर आपको भी अपना पैसा यहाँ पर विड्रॉल करना है तो कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको अपना जो अकाउंट है, अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो आपको अपना जो आईडी है, अपना आईडी ओपन करना है। तो जो होम पेज आता है ऐसे आता है, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो थ्री बार है, ठीक है। यहाँ पे थ्री लाइन दी गई है, यहाँ पे इनके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। ये देखो आप, यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन है, वेलकम लेटर है, एड व्यू हिस्ट्री है, आईडी एक्टिवेशन है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, ये देखो आप, ठीक है। तो हमारे को क्लिक करना है। अभी हमारे को यहाँ पे अपना बैंक ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे अपना जो पैसा है निकालना है अपने बैंक में। तो सबसे पहले हमारे को जाना है, ये देखो आप, यूज़र डिटेल में। अगर आपको अपना पैसा निकालना है यहाँ से, अपने आईडी से, अपने वॉल्ट से, अपने बैंक में, तो आपको सबसे पहले अपना जो बैंक है, अपना बैंक यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करेंगे यूज़र डिटेल के ऊपर, ये देखो आप, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो आपकी जो आईडी है, आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना है, उसका पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। और उसके ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है बैंक डिटेल का, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखो आप जैसे क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पे मांगता है बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका खाता है यहाँ पे, ठीक है। बट आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो अगर आपको यहाँ पे बैंक डालना है, तो आपको बैंक डालना है नेशनल बैंक डालना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो लोकल बैंक है, लोकल बैंक यहाँ पे नहीं डालना है, जैसे कि आपके गांव में बैंक होता है, ग्रामीण बैंक होता है, वो आपको यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बैंक डालना है, जैसे कि SBI बैंक हो गया, ठीक है, PNB बैंक हो गया, ठीक है, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ठीक है। इस टाइप के बैंक डालने हैं जो बड़े बैंक हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डालना है यहाँ पे अपने बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका खाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ SBI बैंक, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे डाल रहे हो, आपको जो लेटर डालना है यहाँ पे, कैपिटल लेटर डालना है, ठीक है। जैसे कि आपको बैंक का नाम डालना है यहाँ पे, तो कैपिटल लेटर में डालना है, कैपिटल मतलब कि बड़े अक्षर में, ठीक है, SBI बैंक, ठीक है। आपको यहाँ पे छोटे बड़े अक्षर नहीं डालने हैं, जैसे कि आप गलती करेंगे यहाँ पे, ऐसे डाल दिया अपने SBI, ऐसे डालेंगे तो थोड़ा यहाँ पे जो इशू आ सकता है। तो इसके लिए आपको करना है, आपको यहाँ पे जो अक्षर डालने हैं, जो कैपिटल लेटर डालने हैं यहाँ पे, ठीक है, SBI बैंक, बड़े अक्षर डालने हैं, मतलब जो बैंक का नाम डालना है बड़े अक्षर में डालना है, ठीक है। आगे दिया गया यहाँ पे अकाउंट होल्डर फर्स्ट नेम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम नाम लेते हैं पंकज कुमार, ठीक है, तो ये भी आपको कैपिटल लेटर में डालना है, बड़े अक्षर में, ठीक है, PANKAJ, ठीक है, सेम ऐसे जो आपका नाम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है इस बॉक्स में, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया गया है अकाउंट होल्डर लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम में आता है, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे पंकज आ गया, पंकज कुमार, तो जो पंकज है फर्स्ट नेम है, ठीक है, जो लास्ट नेम है यहाँ पे कुमार है, तो यहाँ पे डालना है KUMAR, ये भी कैपिटल लेटर में डालना है, बड़े अक्षर में, ठीक है दोस्तों। आगे आपका आता है यहाँ पे बैंक IFSC कोड, ये जो आपकी कॉपी रहती है, आपकी बैंक की कॉपी रहती है, उसके ऊपर लिखा रहता है IFSC कोड, या फिर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो जहाँ पे आपका खाता है, जहाँ पे आपकी ब्रांच है, ठीक है, जहाँ पे आपका बैंक है, आपको डालना है गूगल क्रोम के ऊपर बैंक का नाम डालना है और ब्रांच का नाम डालना है, और उसका डालना है IFSC कोड, सर्च करना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपकी जो कॉपी रहेगी, आपकी कॉपी रहती है, उसके ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो वहाँ पे भी आता है,
आगे दिया गया दोस्तों यहाँ पे बैंक होल्डर, बैंक अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक बार चेक करना है कि आपने जो डिटेल यहाँ पे डाली है सारी सही है या नहीं, ठीक है। ठीक है, जो 5 बॉक्स दिए गए हैं सारे फिल करने हैं, और उसके बाद आपको करना है अपडेट, सबमिट करना है यहाँ से, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है पासवर्ड का, ओटीपी का, ठीक है। आपका जो रजिस्टर नंबर है उसके ऊपर आपको पासवर्ड जाता है, ठीक है। आपने जो नंबर यहाँ पे दिया है, आपने रजिस्टर करा है फास्टैग के अंदर, उसके ऊपर एक ओटीपी आता है 3 अक्षर का, ठीक है। 3 अक्षर, जैसे कि 123921, इस टाइप का आपको ओटीपी आएगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, आपको एक ओटीपी आएगा और यहाँ पे एक नया पेज यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। तो आपको जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। एक बॉक्स आता है, इसका जो स्क्रीनशॉट है आपको दे रहा हूँ मैं यहाँ पे ऊपर, ये देखो आप यहाँ पे साइड में देखो आप, इस टाइप का आपको बॉक्स आएगा, उसके ऊपर आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है, जो 3 नंबर का ओटीपी है, ठीक है। जैसे आप ओटीपी को यहाँ पे सबमिट करेंगे, डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको करना है अपडेट, ओके करना है, और आपका जो अकाउंट है यहाँ पे, आपका अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। एक दो बार आप क्लिक कर दो सबमिट के ऊपर, जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो अकाउंट है यहाँ पे ऐड हो जाता है। सेकंड काम करना है आपको, अपनी जो प्रोफाइल है वो भी अपडेट करनी है यहाँ पे, तो वापस से जाना आपको, ठीक है। ये हो गया बैंक डिटेल, इसके बाद आता है प्रोफाइल डिटेल, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जो कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पे ऑलरेडी लेता है, जैसे कि आपकी आईडी हो गई, आपका नाम हो गया, नंबर हो गया, आपकी जीमेल आईडी हो गई, बट यहाँ पे जो कुछ कुछ बॉक्स हैं यहाँ पे खाली हैं, तो आपको ये भी फिल करने हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो आपके पैन कार्ड के ऊपर रहेगी, ठीक है, जो आपके पैन कार्ड के ऊपर या फिर आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको यहाँ पे सबमिट करनी है, वही यहाँ पे डालनी है, ठीक है। जो कंट्री है, कंट्री ऑटोमेटिक आती है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन आता है आपको यहाँ पे, आपका जो चूज फाइल का ऑप्शन आता है, आपका जो पैन कार्ड है, आपको अपने पैन कार्ड की यहाँ पे फ़ोटो लेनी है, एक अपने कैमरा से क्लिक करके रखनी है अपने गैलरी में। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन आएगा गैलरी का, तो आपको गैलरी से अपना जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड करना है, उसकी जो फ्रंट साइड रहती है पैन कार्ड की, वो यहाँ पे अपलोड करनी है चूज फाइल में, ठीक है। इसके बाद आता है नॉमिनी का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपना नॉमिनी अपनी बहन को करना चाहते हैं, अपनी वाइफ को करना चाहते हैं, अपनी मम्मी को, डैडी को, जिसका भी है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अपनी मम्मी को करना है, तो उनका यहाँ पे नाम लिखना है इस वाले बॉक्स में, और उसके बाद लिखना है नॉमिनी रिलेशन, कि आपका जो रिलेशन है यहाँ पे क्या है, ठीक है। जैसे कि मम्मी का नाम लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया मदर, ठीक है। अगर आप फादर को करने जाते हैं यहाँ पे नॉमिनी, तो यहाँ पे डैडी का नाम लिख दिया फादर का, और यहाँ पे लिख दिया फादर, ठीक है। या फिर आपका भाई है कोई, तो यहाँ पे लिख दिया उसका नाम, भाई का नाम लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया ब्रदर, ठीक है। और उसके बाद जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड के जो डिजिट रहते हैं, नंबर रहते हैं पैन कार्ड के ऊपर, वो आपको यहाँ पे डालने हैं, ठीक है, आपके पैन कार्ड के, ठीक है, पैन कार्ड के ऊपर जो अंक रहते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। उसके बाद करना है आपको सेव, ठीक है। जैसे आप सेव करते हैं, आपका जो भी डिटेल है यहाँ पे, आपका जो बैंक डिटेल है और आपका जो प्रोफाइल डिटेल है, दोनों यहाँ पे सबमिट हो जाता है, ठीक है, बैंक डिटेल भी और आपका जो प्रोफाइल डिटेल है वो भी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।